अब हम लोग इधर से चल रहे हैं आगे सभ्यता द्वार की तरफ, और ये है अशोक कन्वेंशन सेंटर जो कि ज्ञान भवन बोला जाता है। ये अशोक सम्राट अशोक के नाम पे इसको पूरा तैयार किया गया है। इसके बारे में सारा डिटेल तो अभी नहीं मौजूद है, आप विकिपीडिया या गूगल करके आप देख सकते हैं। मैं जितना करीब से हो सकता है उतना करीब से मैं आपको ये कन्वेंशन सेंटर पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी पास नहीं है, मैं जा नहीं सकता हूँ इसके अंदर। ये एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ 5000 चेयर की सीट है पूरे एशिया का। और ये जो भाई हैं ये यहीं पर ट्रेनिंग किए थे। हाँ, मैं यहीं ट्रेनिंग किया था जब मैं सिविल का कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं इसके बारे में जानता हूँ। ये यहाँ स्टील बहुत सारे यूज हुए हैं, काफ़ी स्टील यूज, सुनते हैं कि एफिल टावर से भी ज़्यादा स्टील इसमें यूज हुआ है। लेकिन अब अंदर तो जाना अलाउ नहीं है सिक्योरिटी, अगली बार अगर हो सकेगा पॉसिबल तो हम लोग अंदर जाके पास करवाए किसी हाल में ट्राई करूँगा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अंदर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। और ये दुनिया में इसका नंबर कितना आता है ये भी बता दीजिए, आप यहाँ ट्रेनिंग लिए हैं तो। दुनिया में इसका नंबर आई थिंक आई एम नॉट कन्फर्म, बट आई विल ट्राई टू गिव यू इन्फॉर्मेशन इन अ फ्यूचर रिगार्डिंग ऑल द कन्वेंशन सेंटर। ओके, लेट्स गो टू द सभ्यता द्वार एंड वी आर वॉकिंग ऑन द पाथ। ये कन्वेंशन सभ्यता द्वार की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आगे आप वीडियो में देख रहे होंगे बहुत सारे ग्रुप और ट्रुप, ये लोग जो जा रहे हैं आ रहे हैं, यहाँ बिहार का बहुत फेमस है। और उनसे भी हम लोग बात करेंगे जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं, कुछ चर्चा अपने बिहार के लिए। आप कुछ बताना चाहेंगे कन्वेंशन सेंटर के बारे में? नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया ही हूँ भाई यार, मुझे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। आप भी फर्स्ट टाइम आ रही हैं? चलिए, थैंक यू। और क्या क्या आपके पास जानकारी थी, क्यों किस जानकारी को लेके आप यहाँ पहुँचे? पता चला है कि यहाँ पीछे बहुत अच्छा सद्भावना द्वार बना हुआ है उसी को देखने के लिए। और उसके बारे में कुछ? उसके बारे में तो मेरे को नहीं मालूम है, अब जाकर के देखना पड़ेगा क्या है। हमारा ये YouTube पे जाएगा, YouTube चैनल है, आप पसंद आएगा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग भी आपके साथ अभी मूव कर रहे हैं आगे सभ्यता द्वार की तरफ। और भाई तुम्हारा ट्रेनिंग यहाँ हुआ था तो आप कुछ बताओ और इसके बारे में बातें चलते रहेंगी हम लोग आगे। हाँ, बातें तो चलती रहनी चाहिए हमेशा, क्योंकि बातें अगर शांत हो जाती है तो फिर चुप चुप माहौल कभी अच्छा नहीं होता, इसलिए चलो बोलते रहो। चलिए, हम लोग भी फर्स्ट टाइम सभ्यता द्वार की तरफ जा रहे हैं।